ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। मैंने कहा मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को, मैंने परिवार नहीं देखा, अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, मैंने कहा मैं छिंदवाड़ा की पहचान बनाऊंगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में कमलनाथ के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। किसी तस्वीर में कमलनाथ भावुक होते दिखाई देते हैं, तो कहीं पर रोते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर कमलनाथ अपने भरोसे की दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं। छिंदवाड़ा की जनता से कहते हैं कि मुझे केवल आपके ऊपर ही भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं है। आखिर भरोसे की बात कमलनाथ क्यों बार बार कह रहे हैं? क्या कमलनाथ को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल क्यों उठ रहा है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पे झोंक दी है, वहीं कांग्रेस अपना इकलौता गढ़ बचाने में लगी हुई है। कमलनाथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और आपको बता दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में आने वाली तमाम विधानसभाओं का रुख कमलनाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बेटे नकुलनाथ के लिए वोट मांग रहे हैं। जब जब कमलनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, बिना कांग्रेस का नाम लिए वो भरोसे की बात कहते हैं। कमलनाथ लगातार लोगों से कह रहे हैं कि मुझे केवल जनता के ऊपर, वोटर्स के ऊपर भरोसा है। किसी भी उनके बयान में या किसी भी उनकी जनसभा में कांग्रेस का जिक्र कम ही नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पर अब कमलनाथ को भरोसा नहीं रहा? क्या उन्होंने छिंदवाड़ा की कमान अब अपने कंधों पर ले ली है? मैंने कहा मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को, मैंने परिवार नहीं देखा, अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, मैंने कहा मैं छिंदवाड़ा की पहचान बनाऊंगा। आपको ये बता दें कि कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की तमाम विधानसभाओं का रुख कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अपने बेटे के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस बीच एक तरफ वो जनता पर भरोसा होने की दुहाई देते हैं, तो वहीं पर वो लोग जो कमलनाथ को हाल के दिनों में छिंदवाड़ा से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम आला नेता, बड़े नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या फिर राष्ट्रीय राजनीति के, छिंदवाड़ा का रुख कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस या दिल्ली से कोई भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा अभी तक छिंदवाड़ा में कोई सभा करने नहीं पहुंचा है। ऐसे में छिंदवाड़ा का मुकाबला एक तरफ जहां दिलचस्प हो गया है, वहीं अभी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से भरोसे की दुहाई कमलनाथ दे रहे हैं कि उनको केवल जनता के ऊपर भरोसा है और किसी पे नहीं, तो क्या कमलनाथ को अब कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं रहा, जिसके चलते वो अकेले ही छिंदवाड़ा का रण लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।